जर्नी के साथ साथ आपको अपनी लाइफ की जर्नी भी थोड़ी सी शेयर करूंगा। मैं अब ये सोच रहा हूँ, मैंने सवेरे से गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी, ब्लॉगिंग तो यार ये बंदा सही कर रहा है। अभी हमारा आधा रास्ता भी नहीं हुआ है और भाई लोग पीछे डर रहे हैं। मेरा बोलने का वर्डिंग आप समझो, ये बंदा पूरी फुटेज ले रहा है। जो भी देख रहे हो ये इस बात पे गौर किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुधांशु गौड़। और आज मेरे साथ है विक्रम भैया, ये हमें लेके जा रहे हैं हिमाचल। और दो भाई और हैं पीछे बैठे हैं, मिस्टर राजवीर और इधर है मिस्टर ऋषभ। ठीक है जी, तो इनके साथ अभी मैं जर्नी कर रहा हूँ टुवर्ड्स हिमाचल। धीरे धीरे बताते हैं आपको कि किस वजह से हम ये जर्नी कर रहे हैं। जो जर्नी हम कर रहे हैं ना हिमाचल की तरफ, वो क्यों कर रहे हैं उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यार मैं योगा ट्रेनर, फ्रीलांसर और राइडर के अलावा ना मैं एक एक्टर भी हूँ और ट्रेंड एक्टर हूँ। और मैं इस जर्नी के साथ साथ आपको अपनी लाइफ की जर्नी भी थोड़ी सी शेयर करूँगा कि लाइक एज एन एक्टर मैं कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और क्या क्या चीज़ें मेरी लाइफ में घटी हैं। एक्टिंग का कीड़ा तो मेरे को खैर बचपन से ही था और ग्रेजुएशन के बाद मैंने अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर से कोर्स भी किया था एक्टिंग का। एक्टिंग का कोर्स करने के बाद मैं मुंबई भी गया था और कुछ देर वहाँ पर रुका भी था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मुझे वापस आना पड़ा और चंडीगढ़ में आके ना मैं एज एन योगा ट्रेनर यहाँ पर योगा सिखाने लग गया। और 2011 के आसपास मेरे को एक मूवी मिली थी, पंजाबी मूवी साडा हक, जिसमें मैंने काम किया था। काफ़ी अच्छा करेक्टर मिला था मेरे को उसमें। और उस मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही मेरी मैरिज हो गई। आफ्टर मैरिज 2014 में मोहाली में एक एकेडमी खुली थी एक्टर्स के लिए, माई ड्रीम एकेडमी, जहाँ पे एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। वहाँ पे एज एन योगा ट्रेनर और एक्टिंग गाइड काम किया। और उसके बाद कहीं ना कहीं मैं एक्टिंग फील्ड से या क्रिएटिव फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़ा रहा हूँ। आज भी कभी मेरे को मौका मिलता है ना एक्टिंग करने का, तो मैं मौका कभी छोड़ता नहीं हूँ। और ये थी मेरी लाइक एक तरह से लाइफ की जर्नी एक्टिंग से रिलेटेड। और इस जर्नी का रीज़न भी यही है कि हम एक शूट पर जा रहे हैं ऋषभ एंड राजवीर के साथ। ओके जी, तो हमारी जर्नी हो चुकी है शुरू और भाई लोगों ने खाना वाना खा लिया है, इन सबको भूख लगी थी, मैं घर से खा के आया था। विक्रम भाई ये बताओ हम जा कहाँ रहे हैं, अभी तक लोगों को भी बताया नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। मंडी से आगे। मंडी से आगे कौन सी जगह है? पंडोर डैम। तो जी हम पंडोर डैम जा रहे हैं शूटिंग के लिए। जो ये प्रोजेक्ट है ये डॉक्यूमेंट्री मूवी बन रही है, जिसमें राजवीर भाई भी बड़ा अच्छा करेक्टर कर रहे हैं, ये ऋषभ भाई भी इधर बैठे हैं ये भी करेक्टर कर रहे हैं। राजवीर भाई पहले ये बताओ यार तुम हो कहाँ से? भाई मैं बिहार के रहने वाला हूँ। अच्छा, रहने वाले बिहार के हो? गोपालगंज बिहार। अभी मैं दिल्ली में लास्ट 3 साल से रंगमंच कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ। एक दोस्त हैं जो इस फिल्म में फर्स्ट एडी कर रहे हैं, शुभम। उनके थ्रू मैं यहाँ तक आया हूँ। और भाई ऋषभ कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, क्या करते हो तुम? उत्तराखंड से हूँ, पौड़ी गढ़वाल से। चंडीगढ़ में ही रहता हूँ स्टार्टिंग से और चंडीगढ़ में थिएटर करता हूँ और कुछ फिल्में की हैं जो कि अभी रिलीज ही नहीं हुई। ये बहुत होता है एक्टर्स के साथ ना, कुछ मूवीज कर लो और उसके बाद आपको यार वो प्रोजेक्ट रिलीज नहीं होता तो यार बड़ा दिल दुखता है। इसीलिए इस बार मैं बोल के नहीं आया। और कुछ तो जो रिलीज हुआ है ना वो हमें खुद को ही पसंद नहीं है कि मैंने किया क्या है। तो लोगों को बताने के लायक भी नहीं है। भाई तुम कहाँ से हो? मैं तो वैसे हिमाचल से हूँ। हिमाचल से? कौन सी जगह से? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, पालमपुर से। ओके। और इधर चंडीगढ़ में ड्राइव करता हूँ, हमारा टूर ट्रैवल का काम है। पूरा प्रमोट कर रहे हैं भाई। हमसे ज्यादा तो प्रमोशन ये कर रहे हैं। ओटी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर। बस कर भाई, रुलाएगा क्या? पर हमें फिर यार इसमें क्यों लेके जा रहे हो? हमने क्या कसूर किया है? सुबह मैंने इनको कॉल किया ना, सुधांशु भाई कहते हैं कि यार कौन सी गाड़ी है मॉर्निंग में, नहीं नहीं कहते बीएमडब्ल्यू खड़ी है। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, ये इसका फोन आया मेरे को, कहता हम बाहर खड़े हैं। ये किसी और ही घर के बाहर खड़े थे, मेरे घर के बाहर नहीं खड़े थे। तो मैं बाहर निकला, मैंने देखा कहते व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी है। मैं कहा व्हाइट कलर की और बीएमडब्ल्यू खड़ी थी। मैं कहा बीएमडब्ल्यू खड़ी है? मैं बड़ा खुश, मैं कहा प्रोडक्शन ने यार बड़ा खर्चा किया हम पे। मामला गंभीर हो चुका है। भाई को अभी किसी की कॉल आई है और उसने कहा है कि 5 मिनट रुक जाओ
और रुकने का तो इसको कहा है, लेकिन हमारी दिल की धड़कने रुक रही है तीनों की। बस आँख से पानी नहीं आ रहा, दिल रो रही है मेरा। तुम कैसा फील कर रहे हो ऋषभ? घबराहट सी हो रही है भाई, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। बुरा तो मेरे को भी लग रहा है कि होने क्या वाला है हमारे साथ, ये व्लॉग आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें रोक दिया गया है फोन करके प्रोडक्शन ने कि भाई रुक जाओ 5 मिनट के लिए, फोन करके बताते हैं कि आना कि नहीं आना। तो हमारी जर्नी दोबारा स्टार्ट हो गई है, भाई ने हमें डरा दिया था, इसने कहता फोन आया रुक जाओ। अरे फुटेज ले रहा है पूरी, ये बंदा पूरी फुटेज ले रहा है। तो सबसे ज्यादा इसकी हुई थी कि क्या होने वाला है तेरा भाई को लगा फिर से कटा। इसको लगा कटा, तो अब पहाड़ आ गए तो आपको पहाड़ दिखाते हैं। भाई कुछ ने कुछ ज्यादा तो नहीं खाया, कुछ वोमिट वोमिट तो नहीं करने वाले तुम में से कोई? मैं वोमिट नहीं करता भाई। नहीं करते? तो लग रहा है कहीं मैं, शक्ल देख रहे हो इसकी, शक्ल शक्ल से तो इसकी भी हालात खराब है। नहीं मेरे को, नो कमेंट्स। हमारी कंपनी में शिकायत करेंगे तुम तेज गाड़ी चला रहे हो। 20-50 की स्पीड में गाड़ी जा रही है, बताओ। ये देखो, ये देखो 20-50 की स्पीड में गाड़ी जा रही है तो ये लिमिट ज्यादा है। हाँ ये लिमिट ज्यादा है, बताओ। अब मैंने वो देख लिया ना स्पीड, अब मेरे को नहीं लग रहा। अच्छा अब डर नहीं लग रहा? तो इसको साइकोलॉजिकली हो रहा था कि यार स्पीड में जा रहे हैं हम। अभी हमारा आधा रास्ता भी नहीं हुआ है और भाई लोगों पीछे डर रहे हैं। खैर मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, व्यूज वगैरह शूट भी कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में कहीं रुकते हैं, अभी भाई ने बोला कि एक व्यू पे रुकूंगा कहीं पे, तो वो आपको दिखाते हैं। ओके, तो एक अच्छा सा गाना सुन के अभी हम पहुँच गए हैं। भाई ने ब्रेक लिया है जहाँ पे भाई ने बोला था कि आपको व्यू दिखाएंगे, तो पहले व्यू देखते हैं फिर चाय पानी पीते हैं, खाते हैं पीते हैं। ओके, तो ये रहा आप सबके सामने एक अच्छा सा व्यू। मेरे यार उन्होंने तो आ गई मैगी, आप हूँ खान लगे हैं। ये भाई परौठे परौठे खा के आया हुआ था, लेकिन ऋषभ कहता मैंने खानी है, ये भी खा रहा है। आप एज यूजुअल मैगी के नाल मेरे आलू भुजिया और सर और ये भाई इधर आना, इधर तेरी फोटो आएगी यार। भाई इसने डरा दिया, चाय आ गई चाय पी लो, हम फोटो खींच लेते हैं। ये नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र। ओ वाओ, तभी डांट रहा था भाई ये ना हमें डांट रहा था। एक्चुअली मैं चाय हम पी नहीं रहे थे, रखी थी, तो पी लो चाय। और नाम भी इसका धर्मेंद्र, तो हमें पता चल गया कि क्यों डांट रहा था, है ना। खान दो मेरे, भूख लगी है। तो अब ये छोटी सी मील ब्रेक हो गई है, आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलें फिर। सोने की कोशिश हो रही है, लेकिन रोडें इतनी ख़राब है ना, तो बता नहीं सकते यार क्या हालत है। लाइक झटके पड़ रहे हैं अच्छे खासे, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, गिर रहा था ये, ठीक है। मैं अपने आप को किसी तरह से संभाल के बैठा था यार। शॉट मत लगाना यार ऐसे ऐसे कहता शॉट मत लगाना, भोलियाँ गल्लां करदा मुंडा, भोलियाँ गल्लां। ये उठ गया बड़ा ही मतलब शांति का माहौल हो रखा है यहाँ पे, सब चुप चुप से हैं, गाड़ी चलती जा रही है, व्यूज के मैं शूट करता जा रहा हूँ, पीछे बंदे सो रहे हैं, है नहीं कोई बात, कोई चीज कर नहीं रहा इनमें से कोई भी। ए भैया ने कहीं जगह रोका यार, कभी इनके चार्जर लेना है इनको, कभी इनको चाय पीनी है, कभी इनको लंच करना है। और यार हमारा सफर जो 6 घंटे का था वो 8 घंटे के तकरीबन हो चुका है यार, बहुत थक गए। तो यार बैठे बैठे मैं बोर हो गया था, मैंने भैया को बोला आप बैठो इधर मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो यार बातचीत तो कोई कर नहीं रहा था, मैंने कहा मैं गाड़ी चला लूं। अभी ये भाई ने लेनी थी लघु शंका ब्रेक, तो वो ले ली है।
और सारे और बाकी के बंदे भी फिर लघु शंका करने चले गए, तो मैंने कहा मैं भी हाथ साफ कर लूं। तो चलो चलते हैं, आगे का सफर थोड़ा सा ही रह गया। ए भाई ने ना जानबूझ के ऐसे टाइम पे मेरे को गाड़ी दी जहाँ पे रास्ते बिल्कुल खराब है, तो यार मतलब बंदा एक्टिव हुआ पड़ा है भाई। ये ना बंदे बहुत काम के कोई सामने से अगर ओवरटेक कर रहा था ना, इन्हें कैमरा उसकी तरफ कर दे जानबूझ के, कहता इधर कोई जानबूझ के इधर को आ रहा है कैमरा देख के पीछे हो जाएगा। मेरे को बोला इन्होंने, कहते मैं आपका मैनेजर बनूंगा भी, आपका काम मैं देख लूंगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे को फेमस होने दे, मैं पक्का देखो मैनेजर रख लूंगा। तो आने वाले टाइम में आप मेरे को फेमस करो, मैं इस बंदे को मैं अपना पक्का मैनेजर रखूंगा। ठीक है भाई, डील डन। ओके ओके, डन 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 डन। कैमरा दिखाओ आगे बस, साइड लेके चला गया। अब इसको पता है कि मूवी बन रही है, मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, नहीं तो ज्यादा दबा के रखता है ट्रक वाला बाकी गाड़ी वाला। तो कैमरा मैं उसकी तरफ फोकस करूंगा, तो चाहे मेरा कैमरा ऑन है चाहे ऑफ है, क्या करूंगा तो वो फोकस उसकी तरफ करूंगा ना दूसरी गाड़ी। फोकस भैया, फोकस होता है। क्या बोल रहे थे, बोलो यार, डिस्टर्ब नहीं करना भैया को व्लॉगिंग करते, कुछ नहीं। हां बोलो, क्या बोल रहे हैं, बोलो क्या बोल रहे। वो दूसरा बंदा गाड़ी वाला सोचेगा कि हमारी मूवी बन रही है, तो बंदा थोड़ा ओवरटेक मारने में थोड़ा ध्यान रखेगा। क्या बोलना क्या चाहता, तो लोगों को कोई संदेश देना चाहता है अपनी तरफ से? लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई को फॉलो करो, मेरे भाई को सपोर्ट करो। जितने विवर बढ़ेंगे वो मेरे भाई उतना ही ऊपर जाएगा आपकी बदौलत से। ये बात बहुत सही बोली है, तो आप जो भी देख रहे हो ये इस बात पे गौर किया जाए, और जितना भी हो सके शेयर करने को बोलो जरा। हाँ, जितना भी हो सके तो शेयर करना जरूर, शेयर करना भूलना मत, शेयर और शेयर करना, लाइक भी तो करना है, शेयर और लाइक जरूर ठोकना बजा के। और कमेंट के बारे में तो बोल दो, जो आपको अच्छा लगे कमेंट वो उस हिसाब से डालना है कि मैं अपने ब्रदर को कमेंट मार रहा हूँ। हाँ, मार रहा हूँ या मार रही हूँ। लड़की लड़की देखेगी तो लड़की के लिए वो है बिल्डिंग, लड़के के लिए। मैं अब ये सोच रहा हूँ, मैंने सवेरे से गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी, ब्लॉगिंग तो यार ये बंदा सही कर रहा है। जो तुम्हारे घर वाले देख रहे होंगे उनको कोई संदेश देना मेरी वीडियो के थ्रू? संदेश तो ये देना चाहता हूँ कि मेरे भाई को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फैला दो पूरी दुनिया में, फेमस कर दो मेरे को, फैला दो बस, गर्दा फैला दो, फेमस कर दो, फेमस कर दो, फेमस कर दो। वही बात कर रहा हूँ ना मैं, ये मेरा बोलने का वर्डिंग आप समझो। अच्छा, मेरा बोलने का वर्डिंग ये है कि ये मेरे भाई को फेमस कर दो दुनिया में, ऑल इंडिया में, क्या नेक्स्ट कंट्री में भी मेरे ब्रदर की वीडियो जाए। थैंक यू सो मच मेरे भाई, मैं भी चालू कर दूं व्लॉग। थैंक यू, ओके, ले लूं साथ में। तो अभी हम पहुंचे हैं ब्रदर ढाबा, शूटिंग है सवेरे, शूटिंग का प्रोग्राम फिट करेंगे हम। तो यार भाई ने इतनी अच्छी व्लॉगिंग की है ना, सब कुछ आपको बताया है कि हम कहां से क्या आए, जितनी देर भी मैंने गाड़ी चलाई है, तो यार मेरे को तो बड़ा मजा आया, होपफुली आपको भी मजा आया हो। यहाँ भोजनालय पे तो कौन सी है? नहीं है हमारे रूम्स, वो हमारे रूम उस साइड है कहीं। ये है जगह गुलेरिया होम स्टे, जहाँ पे हमारे रूम्स बुक हैं। ओके, तो फाइनली हम पहुँच गए अपने रूम में। एक्चुअली ये होटल नहीं है, ये होम स्टे है, और हिमाचल में मोस्टली होम स्टे होते हैं। तो ये है अभी हमारा छोटा सा, मतलब एक रात के लिए अच्छी जगह है एक बंदे के लिए। ये है यह वॉशरूम, ये छोटा सा रूम, और ये चेहरा देखने के लिए जो कि बिगड़ चुका है, शीशा। तो ये थी हमारी जर्नी चंडीगढ़ से पंडोह, जहाँ पे हमारी शूटिंग होनी है। कल मॉर्निंग में हमें रेडी होकर शूटिंग पे जाना है, ठीक है, और अब हम करेंगे यहाँ पे रेस्ट। कल मॉर्निंग में अगर शूट करने की अलाउड हुआ, शूट करना मुझे अलाउड हुआ, तो फॉर श्योर मैं कल का दिन का मैं व्लॉग डेफिनेटली बनाने वाला हूँ। ये है डे टू, और जिस मूवी शूट पे आए हैं, एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट्री मूवी शूट है आर्मी के ऊपर, और आर्मी की वजह से मुझे व्लॉगिंग अलाउड नहीं है, तो ये व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।